हे गाइस, दिस इज सल्फे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपके स्किन पे है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब मैं जो भी क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर रहा हूं या अपलोड करूंगा, वो सारा का सारा आपके हाफ ईयरली एग्जाम के टू द पॉइंट से है। तो कोशिश ये करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, उसके सॉल्यूशन को देखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, और फिर उसके बाद अपने खुद से उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे, पूरा का पूरा कंप्लीट हो और वैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए या हाफ ईयरली में आए, तो उसका बखूबी अच्छे अंदाज में सॉल्यूशन कर पाओ। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या हुआ? 1, 2 इंटीजर तो हम लोग कुछ भी है, हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ा समझो तो एक तरह से इंटीजर है ना। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 to positive, यही तो इंटीजर होता है। तो यहाँ पे दो इंटीजर की बात हो रही है, वो भी क्या? कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव की बात होती है तो वहाँ पे हम मान लेते हैं कि सपोज पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है 1, तो दूसरा क्या होगा? 2 हो, लगातार बोला जा रहा है। तो एक बात बताइए आप मुझे, जब मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, पहला 1 है दूसरा 2 हो जाएगा, तो क्या मैं पहले वाले को x मान लूं तो दूसरा वाला क्या होगा? जितना डिफरेंस होगा ना, अगर सेकेंड हमें फाइंड करना है तो उस दोनों के बीच जितना डिफरेंस होगा उतना प्लस कर देना। तो इसके बीच कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है ना, तो सेकेंड आपका होगा x प्लस 1 हो जाएगा। मान लो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात होती तो 1, 2, 3, तो आप बताइए इसके बीच कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो ये ऑलरेडी x प्लस 1 है, तो क्या होगा उसके बाद? x प्लस 2। बातें समझ में आ रही है? हाँ, यही अगर आपसे पूछता क्या दो पॉजिटिव इवन इंटीजर है या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन की बात हो रही है, तो पहला इवन 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया, तो फर्स्ट वाले को मान लो क्या x, तो दूसरा क्या होगा बताइए? जितना डिफरेंस उतना प्लस कर देंगे, इसके बीच कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है ना, तो सेकेंड आपका x प्लस 2 हो जाएगा। थर्ड पूछता तो x प्लस 4 हो जाता। बातें समझ में आ रही है? अगर यही ऑड पूछेगा, ऑड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो ऑड में क्या होता है? पहला अगर मान लो 1 तो दूसरा क्या होगा? ऑड 3। कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, कंसेक्यूटिव, तो पहले वाले को अक्सर x मानते हैं, तो दूसरा क्या होगा? कितना का डिफरेंस है इस दोनों में? 2 का है, तो क्या होगा? x प्लस 2। उम्मीद है बातें समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट, अब इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आइए गौर मानते हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है, तो हम पहले मानेंगे क्या? लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x। पहला हम पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिए? x मान लिए, तो आप मुझे बताओ सेकेंड क्या होगा? सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, लगातार दो की बात हो रही है, तो दो में क्या होगा? पहला 1 दूसरा 2, तो पहला x, डिफरेंस क्या है 1, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मतलब क्या कर रहा है कि दो हमें जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर का सम, तो क्या है? पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तो इस दोनों के स्क्वायर्स का सम, तो पहला x है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। दूसरा x प्लस 1 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब तब क्या कहा जा रहा है? इस दोनों के स्क्वायर का सम कितना कह रहा है? 365। अब हमें इसी को सॉल्व करना है और x का वैल्यू ऑब्टेन करना है। कैसे? गॉट माइएगा, ये तो x स्क्वायर हो गया जो कहते हूँ, प्लस ये किस फॉर्म में है गॉट माइए? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी का मतलब क्या हुआ? 2x डैट इक्वल 365। इज इट क्लियर? चलिए, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका? 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस वन, और इस 365 को इधर ले आओ, तो माइनस 365 हो जाएगा, डेट इक्वल जीरो। अब क्या इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, 2x² प्लस 2x, 1 माइनस 365 क्या होगा, माइनस 364, डेट इक्वल जीरो। इसमें से 2 आप कॉमन ले लो, क्या होगा, x² प्लस x माइनस 182, डेट इक्वल जीरो। यहाँ तक बातें समझ में आई उम्मीद है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो गया, डेट इक्वल जीरो। और ये अब हमारा जो बन गया, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली 3 टर्म से मिलकर बना होता है। और याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 3 टर्म होता है और उसका सॉल्यूशन करना है, तो याद रखिए बचपन में पढ़ा था कि उसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, दरअसल फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। कौन सा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। याद है ना बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, बचपन याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, डेट इक्वल जीरो। यही तो है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में आखिर होता क्या है, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 182, दूनमा 18, दो ही कहें दो से 13 सत्य का दो कर रहा हूँ, 7 से 13 सत्य 91 कितना होगा, सोचिए तो 7 × 14 और 13, बेशक 7 × 14 माइनस 13 एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, डेट इक्वल जीरो। इसमें हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा मेरे को, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, एंड इस पेयर में माइनस है तो साइन माइनस लिख देंगे, और दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लेंगे, और प्रोसी वाला लिख दो, प्रोसी क्या मतलब, x प्लस 14 ही आएगा, और यही हमारा प्रोसी है। फिर इस दोनों में फिर कॉमन लेंगे, एक पेयर एक टर्म और एक टर्म, दो टर्म है, इस दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x प्लस 14 दोनों में है, तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, डेट इक्वल जीरो। बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइदर तो x प्लस 14 इक्वल जीरो, देन x इक्वल क्या होगा, माइनस 14। बातें समझ में आ रही है। फिर आइदर x माइनस 13 इक्वल जीरो, तो x इक्वल क्या होगा, 13। अब मुझे बताओ यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, अब किसको एक्सेप्ट करेंगे, ये माइनस 14 या प्लस 13। तो सोच सकते हो क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे को कहा जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो बच गया क्या, 13। तो देयरफॉर हमारा आंसर जो हो जाएगा पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारा जो क्या होगा, गॉट मार सकते हो, पहला x अज्यूम किए हैं तो x मेरे को 13 आ गया, दिख रहा होगा, और सेकंड क्या अज्यूम किए हैं, x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा मेरे को, 13 प्लस 1 14, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ 13 एंड 14, माइनस 14 नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया है, 13 14 इसलिए आया क्योंकि x का वैल्यू मेरे को 13 आया, तो यहाँ 13 हो गया, और दूसरा क्या है, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या होता है, 14। इस तरीके से मेरे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। उम्मीद है बातें आपको समझ में अगर आ रही है तो कॉन्सेप्ट प्लीज़ आपसे हाजिर का रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और कोशिश यह करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप गॉल्फ मार सकते हो, हमारे स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन अवेलेबल है, और क्वेश्चन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देते हैं। फिर से मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं उसी पैटर्न पे, उसी आधार पे आपको ये कोशिश करा रहा हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको बखूबी दूं, ताकि आप समझ पाओ और ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईजिली कर पाओ। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल जीरो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पूर्ण वर्ग के आधार पे हमें इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। मतलब रूट्स कहते किसको है, तो रूट्स उसको कहते हैं जो भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसके वैल्यू को रूट्स कहते हैं। अब रही बात की सर उस किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसके वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वेरियस मेथड है।
आप जिस मेथड का अप्लाई करके सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, वो आपका रूट्स होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया क्या कि यहाँ पे हमें जो मालूम करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसको हम रियल टर्म से भी कर सकते थे, श्रीधर आचार्य रूल से भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट अभी मेरे को कहा जा रहा है इसमें क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू निकालने का क्या सेंस, एक्स का वैल्यू फाइंड करना मतलब रूट्स फाइंड करना। कोई भी एक्सप्रेशन हो अगर रूट्स कैफ कह रहा हो फाइंड करने को तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, या जीरोस कह रहा हो फाइंड करने को तो एक्स का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, या वाई जो वाई के टर्म में है तो वाई का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा रूट्स या जीरोस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, चलिए आगे मूव करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 5x² - 6x - 2 = 0। हमारे पास एक्सप्रेशन है 5x² - 6x - 2 = 0। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक फंडा है, एक बात है जो आपको हमेशा अपने जहन में याद रखना है। क्या कि जब भी याद रखिएगा एक्सप्रेशन आपको दे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कह दे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड करो, तो कोशिश यह करिएगा कि उसका एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए ना वो तनहा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोनली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। कैसे, आप कहोगे सर क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि हमें इसमें ना तीन फार्मूला का यूज़ करना है। एक तो हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी डैट इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड वन फार्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डैट इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डैट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं ये थर्ड फार्मूला जो बोला हूँ इसका मैं अप्लाई कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ उसमें से कोई दो फार्मूले में से एक फार्मूला का अप्लाई ज़रूर होगा। तो अब बताना चाहिए मुद्दे पे आते हैं कि मैं कह रहा था कि एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए पहला टर्म यानी एक्स स्क्वायर ये हमारा तनहा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है तो ए स्क्वायर यहां 5 है तो 5 कैसे लिखोगे 5x का होल स्क्वायर तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा क्या इसको तनहा ले आओ। हाँ अगर 4x स्क्वायर आता तो आप 2x का होल स्क्वायर कह सकते थे, 9x स्क्वायर आता तो 3x का होल स्क्वायर कह सकते थे, 16x स्क्वायर आता तो 4x का होल स्क्वायर कह सकते थे। लेकिन याद रखिएगा उससे बेहतर क्या है कि आप ये कोशिश करो कि इस टर्म को पहला टर्म को तनहा ले आओ। सिंपल सी बात, एक बात याद रखना सिंपल, क्या बोला कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तनहा लाना है। कैसे तनहा लाना है, इसका मतलब है क्या कि सब में 5 कॉमन ले लीजिए। अब कहोगे कि सर इसमें तो सर 5 कॉमन आ जाएगा इसमें, बट इस दोनों में कहां 5 कॉमन आ रहा है, तो जिसमें कॉमन नहीं आएगा ना उसके में बाई में आ जाएगा। कैसे देख सकते हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x / 5 माइनस 2/5 डेट इक्वल 0। बातें समझ में आई, 5 इसमें कॉमन नहीं था बाई में आ गया, इसमें कॉमन नहीं था बाई में आ गया। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर जो देख रहे हो ये तनहा दिख रहा है ना, अब बताइए ये 5 इधर जाएगा तो 0/5 क्या हो जाएगा 0, तो बच गया टर्म मेरा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x / 5 माइनस 2/5 डेट इक्वल 0। क्लियर है बातें, अब हमारा ये एक एक्सप्रेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब कोशिश क्या करना है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कौन मेथड, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर। अब गौर फरमाइए क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, बताइए, और इसको मान लो आप ए तो ए का स्क्वायर हो गया, और बीच में क्या होता है माइनस टू ए बी, क्या बोला मैंने बोलो माइनस टू ए बी, तो टू ए आपका क्या हो गया एक्स और बी बच गया, तो बी के बदले में यहां पर क्या डालोगे कि हमारा 6x / 5 आ जाएगा, तो 2x तो आ गया, 2x तो आ गया, हमें चाहिए यहां पे 6/5। तो याद रखिए सिंपल सी बात है, आपको यहां पे b के टर्म में लिखना है ना, तो ये जो टर्म जो दिख रहा है उसमें बाय में 2 लगा दो, तो 2 से ही वाला 2 कट जाएगा, तो जो बच गया टर्म वही ना आ जाएगा, तो सीधी सी बात है आ जाएगा 6/10। नई बातें समझ में आई आपको, मैं सिंपल से तरीका बताया हूं, इस तरीका को फॉलो करोगे कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर में नहीं फंसोगे। 2a b के बदले लिखना है ना, तो b आपका यहां पे क्या है
b के बदले लिखना है, तो यहाँ पे बीच वाला टर्म क्या है 6 बाई फाइव, तो 2 से डिवाइड कर दो क्या होगा 6 बाई टेन, या आप इसको 3 बाई फाइव भी लिख सकते थे। लेकिन सिंपल तरीका मैं बताया हूँ कि यहाँ पे जो टर्म रहेगा वहाँ यहाँ हो जाएगा 6 बाई फाइव है तो 6 बाई टेन, मतलब 2 से डिवाइड करना। सपोज यहाँ पे रहता मान लो 7 है, यहाँ एक बात बोला यहाँ 7 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता बी के बदले 7 बाई टू। मान लो कि 7 बाई एट रहता तो बी के बदले क्या हो जाता 7 बाई 16 हो जाता, 2 से डिवाइड कर देंगे। बातें समझ में आ रही है? तो आप गॉड फरमा सकते हो, देख सकते हैं 2 से 2 5 18 6 बाई फाइव नहीं आ जाएगा, तो आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बी आपका 6 बाई 10 हो गया, तो प्लस क्या होता है 6 बाई 10 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या 6 बाई 10 का होल स्क्वायर इस टर्म में है कहीं पे? नहीं ना, तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए 6 बाई 10 का होल स्क्वायर। क्लियर है बातें? फिर इसके बाद क्या है माइनस 2 बाई 5 डेट इक्वल 0, ये जो बच गया। फिर से बताना चाहूंगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी के बदले लिखना है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी यहाँ पे इन टू है, आप प्लस बी स्क्वायर तो कर दिए, इतना प्लस किए तो इतना माइनस कर दिए, और जो बच गया सो टर्म मैंने लिखा। अब गौर फरमा सकते हो इतना को क्या मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और माइनस जब आप कॉमन लोगे इस दोनों टर्म में तो क्या होगा 6 बाई 10 का स्क्वायर 36 बाई 100, और यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया है, साइन यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा डेट इक्वल 0। इतना उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। चलिए आगे मूव करते हैं, तो एक्स माइनस 6 बाई 10 होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 100, तो क्लियर है बातें? देख सकते हैं यहाँ माइनस 2 बाई 5 है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 बाई 1 ले दिया, 2 बाई 5 है तो क्लियर है, 100 5 का एलसीएम 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस 5 से 5 है यहाँ पे, तो 20 25 100, तो 20 दुना 40। क्लियर है बातें? तो क्लियर बातें, डेट इक्वल 0। अब यहाँ पे हम सॉल्व क्या करेंगे, गौर फरमाइएगा, एक्स माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर माइनस 36 अब प्लस 40 क्या हो जाएगा 76 बाई 100 इक्वल 0। अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर डेट इक्वल माइनस वाला टर्म जब इधर आएगा तो क्या होगा 76 बाई 100 प्लस में हो जाएगा। इतना बातें क्लियर हो जाओ। अब गौर फरमाइएगा, एक्स माइनस 6 बाई 100 इक्वल स्क्वायर हटता है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे आता है 76 बाई 100, मतलब क्या हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 76, 76 का 76 टू रूट 19 लिख सकते हो, टू रूट 19 बाई 100 का क्या होगा 10, 2 5 जा 10, क्या आया रूट अंडर 19 बाई 5। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x माइनस 6 बाई 100 इक्वल हो गया, प्लस में अगर लोगे तो रूट अंडर 19 बाई 5, और ये इसको भी कैंसिल कर दो, इजी कर दो, तो x इक्वल क्या हो जाएगा रूट अंडर 19 बाई 5 और प्लस 3 बाई 20, एलसीएम लेंगे तो मेरे को आएगा 20, तो क्या हो जाएगा रूट 5 होगा 20 तो 4 रूट 19 अब प्लस 3, एक हमारा ये एक्स का वैल्यू आया। क्लियर बातें? बातें समझ में आ रही है? सेकेंड रूट्स मालूम करना है, सेकेंड जीरोस मालूम करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या है एक्स माइनस 3 बाई 5, क्या ये हमारा एक्स माइनस 3 बाई 5 सॉरी एक्स माइनस 3 बाई 20, एक्स माइनस 3 बाई 20 इक्वल यहाँ पे प्लस में साइन लिया है तो अब माइनस में लेना होगा, तो माइनस क्या होगा रूट अंडर 19 बाई 5, तो एक्स इक्वल क्या लिखेंगे 3 बाई 20 माइनस रूट अंडर 19 बाई 5, एलसीएम आपका क्या होगा 20, तो 3 माइनस 5 होगा 20 ये, और इस तरीके से सेकेंड रूट हमारा जो आ गया 3 माइनस 4 रूट 19 बाई 20। तो उम्मीद करता हूँ बातें यहाँ पे आपको समझ में आई, समझ में आई तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।